रोजगार के मुद्दे पर कल बहुत देर तक बात हुई है, आप लोग अखबार में ही देखे होंगे। हम लोग हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सभी बड़े नेता विधायक मिलकर कहे थे, आज भी बोल रहे थे कि हमें रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। अरे हम भी बोले थे कि रोजगार हमको देना होगा। इस दिशा में जैसे हमारा पंचायत सचिव करीब 3000 लोग लड़का जो रोज़ इधर उधर घूम रहे हैं और वो आस लगाए हुए हमें उसे नौकरी मिल जाए, लेकिन पिछले सरकार का कुछ गलती और जो हाईकोर्ट का जो निर्देश आया उसके चलते उसका भरपाई नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको देखते हुए हम कितना रह सके। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं जितनी भी वैकेंसी है 3,25,000 जो पद अभी खाली पड़ा है उसको इस साल भरने की हमारी सरकार काम करेगी। इस बात का हमारा माननीय मुख्यमंत्री भी ऐलान किया, कल हम लोग ने इस पर मशवरा भी किया। तमाम विधायकों का कहना है एक रेजुलेशन के माध्यम से आज जो हमारे दल के मीटिंग हुई है उस बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास उसको रखने की काम हम लोग करेंगे। उसमें आरक्षण नीति जो बहुत दिनों से यहाँ पर कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दूसरे का भी जी 27% OBC का आरक्षण, उसके लिए जो लैंड बैंक या जमीन संबंधित जो भी चीज है उसका भी एक रेजुलेशन बनाकर देने के लिए विधायकों ने कहा है। हमारे यहाँ दो नए विधायक जो आए थे चुनाव के बाद, प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की जी, पार्टी ने उन लोगों को बहुत पहले से सम्मिलित कर चुका है चुकी है और वो लोग भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर कांग्रेस के काम को आगे अंजाम देने की काम करें, लेकिन विधानसभा से उनका मान्यता नहीं मिला है, उस इशू को भी एकजुट उठाने की काम। यहाँ के और भी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, उन लोगों ने कहा कि जो 15 किलोमीटर सड़क आपके द्वारा आ रही है पुलिया दिया जा रहा है तो कम से कम 25-30 किलोमीटर सड़क बनाया जाए, इस संबंधित बातचीत हुई है और बहुत ही अच्छा वातावरण में 12वें मंत्री पद की चर्चा गाहे वगैरह लगातार इसका जिक्र हो रहा है, अगर ये विस्तार होता है तो कांग्रेस इसकी दावेदारी करेगी क्या? 12वें मंत्री के बारे में माननीय मुख्यमंत्री और हमारा आला कमान ही जवाब देंगे, हम लोग पत्र नहीं।